अंता अना नहनु लेश मिता मिनु तुम मैं हम क्यों कब कौन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ अलहाल या अस्दिका, आप सब कैसे हैं? खैर खैरियत से होंगे उम्मीद है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तुम मैं इन सब की अरबी क्या होती है और इसे कैसे अरबी जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तुमको अरबी में लड़के को भी बोलते हैं और लड़की को भी बोलते हैं, इसके दोनों अरबी में क्या क्या फर्क है, तो चलते हैं शुरू करते हैं। तुमको अरबी जुबान में बोलते हैं अंता, मैं को बोलते हैं अना और हम को बोलते हैं नहनु, और अना दोनों इस्तेमाल होता है लेकिन नहनु सही वर्ड है। क्यों को बोलते हैं अरबी जुबान में लेश और कब को बोलते हैं मिता और कौन को बोलते हैं मिनो और मिनहू, दोनों आप बोल सकते हैं। कौन कब कैसे इन सब को जो है मैं अभी अरबी जुमले में बताता हूँ आपको, अरबी तरफ से जो है याद करते जाएंगे। कब को बोलते हैं मिते और मिता, इसे बोलना है आप कब आए। अंता मिते इजी, अंता मिता इजी, मतलब क्या हो गया आप कब आए। तो कब को अरबी जुबान में क्या बोलते हैं मिते, और दूसरी अरबी क्या आती है इसकी मिता, क्या आती है मिता। कब जाओगे इसको अरबी जुबान में आप बोलेंगे मिता रो, मिता रो। कब जाओगे मिता रो, और दूसरी अरबी क्या बोलेंगे आप मिते रो, मतलब क्या हो गया जाना। रोह भी बोल सकते हैं और रो इस तरह भी बोल सकते हैं आप। तुम कब जाओगे, अब यहाँ पे तुम लग गया थे, तुम को अरबी में क्या बोलते हैं अंता, और दूसरी अरबी क्या बताया था मैं इंते, तो इसको बोलना आप अरबी में अंता मिते रो, अंता मिता रो, दोनों तरह आप बोल सकते हैं अंता मिते रो, अंता मिता रो। कहाँ कहाँ को अरबी जुबान में बोलते हैं वेन, और दूसरी अरबी आती है ऐना। ऐना जो है ये किताबी अरबी है, इसका इस्तेमाल कम करते हैं, ज्यादातर इस्तेमाल जो होता है वेन। वेन मतलब क्या होता है कहाँ, तुम कहाँ हो, इसको अरबी जुबान में आप बोलेंगे वेन अंता, क्या बोलेंगे वेन अंता, तुम कहाँ हो आप कहाँ हो, तो फिर वही बोलेंगे आप वेन अंता, क्योंकि हम लोग आपका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दोनों के अरबी सेम हो जाएगी। मेरी गाड़ी कहाँ है, इसको आप अरबी जुबान बोलेंगे वेन अना सयारा, मेरी गाड़ी कहाँ है, तो अरबी में क्या बोलेंगे वेन अना सयारा, वेन अना सयारा, मेरी गाड़ी कहाँ है। तुम कहाँ हो, इसको अरबी में फिर बोलेंगे आप वेन अंता, और इसको रिस्पेक्ट के साथ क्या बोलेंगे, अगर आप कहाँ हो बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे आप वेन अंता। अरबी सेम है और उर्दू में हम लोग अल्फाज बदल सकते हैं, ठीक है वेन अंता। क्यों, क्यों को अरबी जुबान में बोलते हैं लेश, और दूसरी अरबी आती है इसके लिमाजा। लिमाजा का जो है इस्तेमाल आपको कम सुनने और बोलने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो है किताबी है, इसको साथ में मैं इसलिए बताता जाता हूँ, कुछ लोग कमेंट में भेजते हैं भाई ये अरबी नहीं ये है, इसलिए अब जो है जो लोकल अरबी वो भी बताना पड़ता है और जो किताबी होती है उसे भी ऐड कर देते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तुम ने क्यों बोला, इसे अरबी में आप बोलेंगे लेश अंता गुल, लेश अंता गुल, तुमने क्यों बोला। कौन, कौन को अरबी जुबान में बोलते हैं मिनो, और दूसरी अरबी क्या आती है मिन, मिनो और मिन, कौन का अरबी है, ठीक है। अब इसे जुमले में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे मिनो बोलेंगे और कहाँ पे मिन बोलेंगे, इसे भी आप देख लें। वह कौन है, यहाँ पे आप बोलेंगे हुआ मिन, हुआ मिनहू, हुआ मिनू, हुआ मिनहू। हा का इस्तेमाल ज्यादातर इनके घरों में लेडीजें करती हैं, ठीक है, वो बोलेंगे हुआ मिनू नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हुआ मिनहू, हुआ मिनहू, वह कौन है, कौन बोला, तो यहाँ पे आप अरबी में बोलेंगे मिनू गुल, मिनू गुल, मिनहू गुल, दोनों आप बोलेंगे, ठीक है। तो कौन बोला, इसके अरबी क्या हो गई मिनहू गुल, मिनहू गुल, मिनहू कलाम, कलाम मतलब भी होता है बोलना। क्या, क्या को अरबी जुबान में बोलते हैं सुनो, और दूसरी अरबी लिमाजा इसकी भी आती है, ठीक है। क्या को अरबी में क्या बोलते हैं सुनो, ज्यादातर जो कसरत इस्तेमाल है सुनो बोलते हैं, सुनो का मतलब क्या हो गया क्या, यह क्या है, यह क्या है, जिसको अरबी जुबान में बोलेंगे आप सुनो हादा, सुनो हादा, सुनो हाजा, दोनों आप बोलेंगे। यह क्या है, जिसकी अरबी क्या है सुनो
हादा सुनो हादा क्या बोला इसे अरबी जुबान में आप बोलेंगे सुनो गुल क्या बोला इसे अरबी में क्या बोलेंगे सुनो गुल सुनो कलाम जैसा कि अभी पीछे मैं आपको बता चुका हूँ इसकी अरबी कलाम का मतलब भी होता है बातचीत करना और गुल का मतलब भी होता है बात करना और गुल वो नशे वाली चीज नहीं जो अपने यहाँ करते हैं तुमने क्या बोला इसे अरबी जुबान में बोलेंगे सुनो गुल इंते सुनो गुल इंते सुनो गुल अंते दोनों आप बोल सकते हैं कैसे कैसे को अरबी जुबान में बोलते हैं कैफा और कैफ दोनों बोल सकते हैं ठीक है कैसे की अरबी क्या है कैफ और कैफा दोनों आप बोलेंगे तो कैसे की अरबी हो गई कैफा और कैफ कैसे हो को अरबी जुबान में आप बोलेंगे कैफ हाल क्या बोलेंगे कैफ हाल मतलब क्या हो गया कैसे हो यहाँ से दो आ गया है लेकिन क्या है कैसे हो तो उसको अरबी में बोलेंगे कैफ हाल कैसे मिजाज हैं आपके कैसे मिजाज हैं आपके इसको अरबी जुबान में बोलेंगे कैफ हाल अंते कैफ हाल इंते कैफ हाल अंता तीनों आप लगा सकते हैं लास्ट में ठीक है कैफ हाल अंता मैं को अरबी जुबान में बोलते हैं अना मैं को क्या बोलते हैं अरबी जुबान में अना अना मतलब हो गया मैं ठीक हूँ अना जैन मतलब क्या हुआ मैं ठीक हूँ मैं जफर हूँ इसे अरबी में आप बोलेंगे अना जाफर जो भी नाम हो आपका आप वो लगा सकते हैं मैं मोहम्मद हूँ इसे अरबी में बोलेंगे अना मोहम्मद मैं अब्दुल्लाह हूँ तो फिर आप बोलेंगे अना अब्दुल्लाह मैं अब्दुल्लाह हूँ तुमको अरबी में लड़के के लिए क्या बोलते हैं और लड़की के लिए क्या बोलते हैं वो आप इसमें देख लें इंते अंता ये जो है दोनों वर्ड लड़के के लिए इस्तेमाल होगा अंति इंति ये दो वर्ड जो है लड़की के लिए इस्तेमाल होगा तो अंते और अंता ये दो वर्ड जो है लड़के के लिए होगा इंति अंति ये दो वर्ड लड़कियों के लिए इस्तेमाल करेंगे अगर कोई लड़की है तो उसमें बोलेंगे आप इंति तुम होशियार हो इसको आप बोलेंगे इंते जकी मतलब क्या है तुम होशियार हो ये लड़कों के लिए इस्तेमाल होगा और अगर लड़कियों को बोलना है तुम होशियार हो तो यहाँ फिर बोलेंगे आप इंती जकी मतलब क्या हो गया तुम होशियार हो इंते को हटा के आप इंती लगाएंगे अगर लड़की होगी तो वह को अरबी जुबान में बोलते हैं हुआ वह को क्या बोलते हैं अरबी जुबान में हुआ वह अच्छा है हुआ अहसन वह अच्छा जिसकी अरबी क्या है हुआ अहसन तो वह की अरबी क्या हो गई हुआ वह घर में है वह घर में है जिसको आप अरबी जुबान में बोलेंगे हुआ बैत मौजूद वह घर में है वह घर में है जिसकी अरबी क्या हो गई हुआ बैत मौजूद वह घर में है हम को अरबी जुबान में बोलते हैं नहनू मतलब क्या हो गया हम और हम के लिए दूसरी अरबी इस तरह भी आती है अगर आप बोलेंगे अना कुल नफर सवा सवा क्या हो गया हम लोग सब साथ साथ हैं हम की अरबी क्या है नहनू मतलब हम लोग कई लोग हैं नहनू कुल नफर सवा सवा हम लोग साथ साथ हैं लेकिन सही अरबी जो है अना कुल नफर सवा सवा क्या मतलब हो गया कुल्लू मतलब हो गया सब और सवा सवा मतलब हो गया साथ 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 हम लोग साथ साथ जा रहे हैं नहनु सवा सवा रोह हम लोग साथ साथ खा रहे हैं नहनु सवा सवा अकिल अना नहनु सवा सवा अकिल नहनु ना भी लगाए चलेगा आप बोलेंगे अना कुल नफर सवा सवा अकिल हम लोग साथ साथ खा रहे हैं हम लोग साथ साथ बैठ रहे हैं तो क्या बोलेंगे अना कुल नफर सवा सवा गार अना कुल नफर सवा सवा गार तो नहनु का मतलब समझ में अब आप सबको आ गया होगा नहनु का मतलब हो गया हम सब सवा सवा मतलब क्या हो गया साथ अब अपने हरदिल अजीज भाई से यही गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कहां पे कौन सी अरबी आपको समझ में आई और कौन सी नहीं आई और अरबी के मुतालिक जो भी आपके दिलो दिमाग में सवाल है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर नए आने वाले भाई की जो है मदद हो सके और वो सही से जो है अरबों के साथ बात कर सके या फिर अरबी अगर उनसे कुछ पूछें
या बात करें उनसे अरबी में तो वो उनकी अरबी समझ सकें। जब तक ये वीडियो आप उन तक पहुंचाएंगे नहीं तब तक उनकी हेल्प होगा नहीं। तो इस वास्ते नए भाई तक पहुंचाएं ताकि वो खुद से जो है अपनी बातें अरबों के सामने रखें, उनकी जो भी ज़रूरत हो वो अरबी में बोल के अपनी ज़रूरत की सामान अरबी में बोल के उनसे ले सकें। ठीक है, इसी पर इत्तेफाक करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।